दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में पांच ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जिस प्रकार जंगल का राजा शेर होता है, उसी प्रकार समुद्र की रानी ब्लू व्हेल होती है। अपने विशाल आकार के कारण सबके दिलों पर राज करती है। पर क्या आप यह जानते हैं कि ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 5 करोड़ साल पहले हुई थी, और इसकी जीभ एक नॉर्मल हाथी के वजन जितनी होती है। दोस्तों, आप लोग यह बताइए कि आप बिना सोए कितने दिन रह सकते हो, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन? पर ब्लू व्हेल 90 दिन तक बिना सोए रह सकती है। वाओ। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बकरी का साइंटिफिक नेम क्या है? सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है? जैसे ह्यूमन का होमो सेपियंस होता है, वैसे ही बकरी का कैपरा हेरकस होता है। फैक्ट नंबर 3। हम सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की बारिश होती है, पर क्या आप यह जानते हैं कि कुछ ग्रहों पर डायमंड की भी बारिश होती है? जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे भी प्लैनेट हैं जिसमें हीरो की बारिश होती है, जैसे जुपिटर एंड सैटर्न। ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ डायमंड की बारिश होती है, क्योंकि इन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जो बादल हैं उनमें पानी नहीं बल्कि मीथेन होती है, जो कंडेंस होने के बाद डायमंड बनकर बरसती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप सभी ने फेसबुक के बारे में तो सुना ही होगा, और आप सभी ये भी जानते होंगे कि फेसबुक के मालिक मार्क हैं। पर क्या आप सब ये जानते हैं कि फेसबुक की स्थापना किसने की? बोलिए, बताइए बताइए, सोचिए। मैं आपको 5 सेकेंड का वक्त देता हूँ, आप सोच के बताइए। छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ। सभी को लगता है कि स्थापना मार्क ने की, बट स्थापना हमारे देश के एक भारतीय अमेरिकी ने की थी। उनका नाम दिव्य नरेंद्र जी का। फैक्ट 1। दोस्तों, आप कितने पढ़े हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों, मैं इस फैक्ट में एक ऐसी व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने 25 साल की उम्र में IAS, IPS, वकील, डॉक्टर जैसी 20 डिग्रियां ली थी। 25 साल की उम्र में वह MLA भी बन गए थे। जी हाँ, ये सच है। श्रीकांत जिचकार, जो ये सबसे कम उम्र वाले पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और इनका देहांत 2004 में हो चुका है। तो अब आप पढ़ना कब से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।